हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारे चाय प्रेमी दोस्तों के लिए। अक्सर मैं ऑफिस में चाय बनाता हूं और मेरी चाय लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है, तो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा आपको मेरे द्वारा बनाई हुई टेस्टी चाय, मसालेदार चाय, जिसको मेरे दोस्तों ने नाम दे रखा है एंटी कोरोना चाय। तो वो चाय कैसे बनाई जाती है वो आप देखिए। मैं अभी छुट्टी पर घर पर टाइम बिता रहा हूँ और दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है, भाई चाय तेरी वाली नसीब नहीं हो रही, कम से कम तरीका ही बता दे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। सबसे पहले लेंगे दोस्तों, देखो ये है मेरा बड़ा कप और इसमें मैंने आधे से ज़्यादा दूध ले लिया है। मोस्टली 75% इसमें दूध है और ये फुल क्रीम मिल्क है। और आप इसमें अब बाकी का मिला देंगे पानी से इसको फुल कर देंगे और इसको पतीले में डालकर गैस को ऑन कर देंगे। गैस को ऑन करने के बाद एक नज़र डाल लेते हैं हम सामान पर। ये देखिए नीचे रखी हुई हैं कुछ तुलसी की पत्तियाँ, ये कुछ इसमें ताज़ी हैं और कुछ इसमें जो हमारी कई दिन पहले की हैं, थोड़ा सूख चुकी हैं लेकिन ये बाद में इस्तेमाल हो सकती हैं। और ये है एक लौंग और एक इलायची। इस लौंग और इलायची को हम पीस लेंगे। और ये है दालचीनी और ये है पीसी हुई काली मिर्च। दालचीनी को भी हमने पीस रखा है और अब हम लौंग और इलायची को पीस लेते हैं। लौंग इलायची को हमने पीस लिया है। अब हम इसको पत्ती डालने के बाद, पहले सबसे पहले हम दूध में पत्ती डालेंगे और जब पत्ती अपना कलर छोड़ देगी तभी हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे, अदरवाइज़ दूध फट जाएगा। ये है 1 TSP और इसके बाद आएगी 1/2 TSP। तो आप 7 से 8 ग्राम इसमें पत्ती डाल सकते हैं इतने बड़े कप के साइज़ के हिसाब से। और गैस को अब आप स्लो कर देंगे, दूध को धीरे धीरे उबलने देंगे। दूध धीरे धीरे उबल रहा है, हम गैस को काफ़ी स्लो कर देंगे और हमें इसको बिल्कुल धीरे धीरे बॉईल करना है। जब पत्ती अपना कलर छोड़ देगी तब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें से एक इंच के बराबर अदरक ले लेंगे और इसको ग्रेट करके तुलसी के पत्तों के साथ दूध में डालेंगे। हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है, तुलसी के पत्ते और अदरक, आप दोनों चीज़ें अब आप चाय में छोड़ दीजिए। ये सब आपको पत्ती के कलर छोड़ने के बाद करना है। अगर आप इसको अदरक पहले डाल देंगे तो दूध के फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ये मेरी क्वांटिटी है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुरू में जो पियेंगे उनको ये चाय थोड़ा तेज़ लगेगी लेकिन मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आपको पीते ही असर दिखाई देगा। और ये क्वांटिटी रहेगी लगभग हमारी दालचीनी की। सारी चीज़ें डालने के बाद चाय को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे। हमने गैस को काफ़ी स्लो कर दिया है। अगर आप गैस को स्लो नहीं करेंगे तो आपकी चाय की क्वांटिटी आधी भी नहीं बचेगी। अगर आप चाहें तो इसको फीकी भी पी सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूँगा खांड, ये पिसा हुआ शुगर होता है जिसको देसी भाषा में खांड भी बोलते हैं। काफ़ी देर ये चीज़ें बॉयल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं जब वो कलर चेंज करने लगे चाय तब आप इसमें अपनी खांड डाल के और 1 मिनट के बाद चाय को उतार लें। ये है हमारी पिसी हुई खांड, ये तो पिसी हुई होती है मतलब पिसा हुआ शुगर जिसको देसी भाषा में खांड बोलते हैं। इसमें शुगर के मुकाबले थोड़े केमिकल कम होते हैं, तो मैं इसमें डालूंगा अभी, आप देखना 1 चम्मच, अपने स्वाद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक कप में 1 चम्मच लेता हूँ, मैंने 1 चम्मच इसमें खांड डाल दी है। हम इसको एक बार फिर हिलाएंगे
और लगभग इसके एक मिनट के बाद हम इसको हल्का सा बॉईल होने के बाद उतार लेंगे। तो लगभग एक मिनट हो चुका है, आप देखिए हमें लगभग इस स्पीड से चाय को उबालना है। आप जितना इसमें उबाल देख रहे हैं इतना उबाल लेना चाहिए, क्योंकि कहावत है सहज पके जो मीठा होए। हमारी चाय ऑलमोस्ट तैयार है, अब हम इसको कप में छान लेंगे। हम इस कप में छानेंगे दोस्तों, और आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी कितना कम हो जाएगी। हमने पूरा कप भर के चढ़ाया था, अब आप देखना ये आधे कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेगी। हमने चाय को छान लिया है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी इसकी आधे कप से हल्का सा ही ज़्यादा है, क्योंकि सारा पानी उड़ चुका है और ये एक किस्म से काढ़ा बन चुका है, जिसको मेरे दोस्तों के द्वारा नाम दिया गया है एंटी कोरोना चाय। तो मैं तब तक चाय का मज़ा लेता हूँ, आप वीडियो को प्रोसेस जानने के लिए दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से चाय बनाकर देख सकते हैं, और आपको अगर ऐसी बनाई हुई चाय पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।